जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बेटी उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान सामने आया है, तब से सियासी तीमारदारों में आपसी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल एक सभा में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से और इसे पूरी तरह से मिटाने की बात कही। इसके बाद से राजनेताओं की ओर से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपने तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादित टिप्पणी से खुद का पल्ला झाड़ लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज कुमार झा उनके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने बयान पर समर्थन जताते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि कभी कभी हम लोगों को प्रतीक और मुहावरों के अंदर जाकर सोचना होगा। उदयनिधि स्टालिन ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, सनातन मलेरिया और डेंगू की तरह है और ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्मूलन किया गया है और विरोध नहीं किया गया। सनातन नाम संस्कृत से है, ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया, अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भितर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है भाई। तो वही बीजेपी नेताओं समेत कई लोग उदयनिधि के बयान पर विरोध जता रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी नेता मनोज तिवारी का तीखा बयान सामने आया है, तो वही शहनवाज हुसैन ने उदयनिधि के बयान पर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बयान की आलोचना की है। वही राशिद अल्वी ने भी इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और बीजेपी को जमकर घेरा। स्टालिन ने कहा है, हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बताया है। अखिलेश यादव जी उनसे गले मिल रहे हैं। स्टालिन का कहना है कि हम सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को हटा करके ही दम लेंगे, और उनका साथ कौन दे रहा है? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी। क्या ये बात उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, घोसी की जनता के सामने अखिलेश यादव जी स्वीकार करेंगे? छुप छुप के जो वार कर रहे हैं उनको पता है। आप, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, मुझे पता भी नहीं था कि घोसी के उपचुनाव में कोई हमसे स्टालिन के संवाद को याद दिलाएगा। और स्टालिन जैसे लोग सुन लें, सत्य सनातन रहा था, रहा है और हमेशा रहेगा। इंडिया अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो एनडीए अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। वो एम के स्टालिन जो यहाँ पर जिस तरह का, स्टालिन साहब जो सीएम है उनके बेटे ने जिस तरह का बयान दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और उनका बयान, क्या एनडीए अलायंस उनके बयान से सहमत है? इसका जवाब एनडीए अलायंस के लोगों को देना चाहिए। तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है, वहाँ की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की, भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था की केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने तमिल काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है, तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है, ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं, ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न जबानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म का को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है
कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है, ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसका उसे पॉलिटिसाइज किया। बहरहाल उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर खूब वार पलटवार जारी है और पक्ष विपक्ष अब आमने सामने आ गया है, तो अब देखना तो ये होगा कि बयानों की आपसी जंग कब थमती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।